जब भी आप किसी इंसान के साथ ज्यादा टाइम गुजारते हो या आप लंबे टाइम से किसी इंसान के साथ रह रहे हो, वो कोई भी हो, आपका दोस्त हो, भाई हो या फिर रिलेटिव, तो आपने अक्सर ये बात गौर की होगी ना कि धीरे धीरे टाइम के साथ उस बंदे की कुछ आदतें आपके अंदर आने लगती है या फिर आप उस बंदे की हैबिट्स को कॉपी करने लगते हो, लाइक चलने का तरीका, बैठने का तरीका, व्हाटएवर। और अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हो और जब भी आप उनके साथ बात करते हो या फिर कोई काम करते हो, तब आप उस टाइम बहुत सारी नई चीजें सीखते हो। और जब भी आप अपने आप को मिरर के अंदर लंबे टाइम तक देखते हो, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको अपने लिए बहुत ही पॉजिटिव फील होता है और कभी कभी आपको अपना चेहरा बहुत ही खराब लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये जो तीन एग्जांपल मैंने आपको अभी दिए, इन तीनों के पीछे एक ही चीज काम करती है और वो है ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर आपको ये जानना है कि किसी इंसान के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है या फिर वो इस टाइम क्या सोच रहा है, या आप साइकोलॉजी को जानकर आसानी से पता लगा सकते हो। और ये तभी होगा जब आपको बहुत सारे साइकोलॉजी फैक्ट्स पता होंगे। तो इस वीडियो में आपको ऐसे साइकोलॉजी फैक्ट्स बताने वाला हूं जिन्हें जानकर आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली। अब आप वैसे नहीं सोचोगे जैसे कि पहले सोचा करते थे। तो आओ यार शुरू करते हैं। नंबर वन, मान लीजिए आपका अपनी लाइफ में बहुत बड़ा टारगेट है, तो अगर आप उसको लेकर लोगों से बात करते हो या फिर उनसे ये कहते हो कि मेरा ये टारगेट है, मैं इसको पूरा करने वाला हूँ, बहुत जल्द पूरा करूंगा, तो उससे आपके सक्सेस होने का चांस कम होने लगता है। बट अगर आप अपने गोल को सीक्रेट रखते हो और उस पे कंसिस्टेंटली काम करते हो, तो इससे आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है। नंबर टू, साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर कोई इंसान बहुत सारे तकिए लेकर सोता है अपने साथ, तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है वो इंसान अपने आप को काफी अकेला यानी अलोन महसूस करता है और वो अपना अकेलापन मिटाने के लिए ऐसा करता है, बहुत सारे तकिए लेकर सोता है। नंबर थ्री, अगर कोई इंसान आपसे कुछ छुपा रहा है या फिर कोई भी बात आपको बताना नहीं चाहता है, वो आपसे छुपा रहा है उस चीज को, तब ना आप उस बंदे से उसी चीज के बारे में बात करना शुरू कर दीजिए, तब ना वो बंदा बात करते करते हड़बड़ा जाएगा। जैसे कि कहीं पर चोरी हुई है और आपको पता है कि चोर वही बंदा है जो आपके सामने खड़ा है, तो आप उसी चोरी के बारे में उससे बात करना शुरू कर दीजिए, तो पक्का वो बंदा घबरा जाएगा। उस टाइम या तो वो बंदा बहुत ज्यादा चुप रहेगा या आपको सब कुछ सच सच बता देगा। नंबर फोर, साइकोलॉजी ये कहती है कि जो सॉन्ग्स होते हैं ना, गाने, वो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और गाने इंसान के दिमाग को बहुत हद तक इफेक्ट करते हैं। जो इंसान जिस प्रकार के गाने सुनता है ना, वो उसी नजरिए से दुनिया को देखने लगता है। अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा हैप्पी एनर्जी वाले गाने सुनता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो बंदा दुनिया को उस वे में देखता है। एंड इसके अपोजिट अगर कोई बंदा सैड सॉन्ग सुनता है बहुत ज्यादा, तो ना यार वो ऐसे ही सोचेगा कि दुनिया क्या है यार, मैं अकेला हूँ क्या यार। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव वाइब्स वाले गाने सुना करो। नंबर फाइव, ये बात सुनकर आप शौक हो जाओगे, लेकिन साइकोलॉजी ऐसा वास्तव में कहती है कि अगर आप सुबह उठते ही अपने पेरेंट्स को प्रणाम करते हैं, उनके पैर छूते हैं ना, तो आपको पूरा दिन बहुत ही एनर्जेटिक फील होता है और आपको पूरे दिन पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। उस दिन आप चाहकर भी कोई भी गलत काम नहीं कर सकते, बिकॉज आपके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी आपके माता पिता की, तो ये बहुत सही चीज है। नंबर सिक्स, अगर आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और आप सभी को हर टाइम काम के लिए सबको हाँ हाँ कहते हो कि हाँ आपका भी काम कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, किसी को मना ही नहीं करते, तो ना ऐसे अच्छे बंदों की लोगों की नजरों में इज्जत बहुत कम होती है, बिकॉज उन्हें लगता है कि ये बंदा हर टाइम अवेलेबल है, तो इसका मतलब क्या ही एटीट्यूड होगा, क्या ही इसके विचार होंगे। तो कभी कभी ना भी देना सीखो आप लोग। एंड नंबर सेवन, साइकोलॉजी ये कहती है कि किसी इंसान को अकेलापन तब फील नहीं होता जब वो वास्तव में अकेला होता है नंबर में, यानी घर पे अकेला है तो अकेलापन फील हो गया, ऐसा नहीं, बल्कि अकेलेपन की भावना किसी इंसान के अंदर तब आती है जब आसपास लोग तो बहुत सारे लेकिन उसकी कोई परवाह ना करे, मतलब आसपास बंदे बहुत सारे बट उससे कोई बात ना करे, इज्जत ना दे, तो तब वाकई में वो होता है अलोन। यही डिफरेंस है अलोन और लॉनलीनेस में। एंड दैट्स इट। तो आपको इन सारे फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट सबसे सही लगा और कौन से फैक्ट से आप सबसे ज्यादा रिलेट करते हो, कमेंट्स बॉक्स में बताना। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।